अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। एंड हम लोगों ने ये क्वेश्चन समझा था, बट कुछ कंफ्यूजन होने की वजह से आई एम अगेन टेलिंग यू। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यू हैव टू फाइंड कि कौन सी वैल्यू है एक्स की जिसको हम पुट करें तो फिर ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है ये बिकम, इट वुड बिकम अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर से क्या मुराद है? इफ वी नोटिस के कंप्लीट स्क्वायर मतलब 6 6 जर क्या होता है 36, 4 4 जर 16। इट मीन्स दैट ये कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाली जो टर्म हमारे पास गिवन है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का एक बेस्ट मेथड ये है, आप सिंपली इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि जिस चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने उसको उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसी और टर्म के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे कि आई वॉन्ट कि मुझे x पावर 4 चाहिए ना, पहली टर्म मेरे पास एक्स पावर 4 है, सो मैं किस टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि एक्स पावर 4 बन जाए। तो ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक्स को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करती तो एक्स पावर 4 बन जाती, बट नो, आपको ये नहीं करना, आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये फिर बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यानी एक्स पावर 4। इट मीन्स दैट वेन एवर यू आर गिवन विद द क्वेश्चन लाइक यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म और एक्सप्रेशन, तो आपने उसको वैल्यूज वो वाली लेनी होती हैं जिनके साथ आपको मल्टीप्लाई करके, मतलब वो सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपको ये बन जाए, यानी स्क्वायर लेना होता है उसका। ठीक, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास बन गया एक्स पावर 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों हमारे पास, कि हम इसको माइनस करते हैं। वेन एवर वी माइनस या सब्ट्रैक्ट, एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी नो दैट देयर इज अ चेंज ऑफ साइन, हमें हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था तो साइन चेंज हो गया, माइनस बन गया। यहाँ तक तो नॉर्मल, हम डिवीजन की तरह हमें जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हम उसी तरह से कर रहे थे, एलसीएम वाले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे ही किया था। बट हेयर समथिंग डिफरेंट और समथिंग न्यू इज दैट कि ये जो टर्म हमने आपस में जिन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था इसको यहाँ हमें ऐड भी करना होता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ स्टेप जो हम बाकी क्वेश्चंस में नहीं करते, ये काम हम सिर्फ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड भी करते हैं, मल्टीप्लाई तो करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे 4x स्क्वायर बनाने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 4 4 और 16 हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत होता जाएगा। तो इसलिए आपने इस स्टेप को जहन में जरूर रखना है। सो इट बिकम्स 2x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे पास है 2x स्क्वायर और पहली टर्म हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 4x स्क्वायर है इसको बनाने के लिए मुझे 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, इट मीन्स दैट 2 2 4 और साथ में एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2x स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, साथ में यहाँ पे ऐड भी करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सो देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 हमने कर दिया तो ये बन, एक दफा किया तो ये बन गया 4x स्क्वायर और 2 2 4। चूंकि अगर यहाँ पे देखा जाए हर टर्म के अंदर x इन्वॉल्व है किसी भी पावर के साथ, जबकि हमारे पास 4 एक अलग से नंबर है, हम उसको x के साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ इसे सेपरेट लिख दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइनस करना होता है। यहाँ पे प्लस किया था साइन, उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस था उसको भी साइन चेंज कर देंगे, माइनस बन जाएगा। तो जब हम इस स्टेप में लिखेंगे तो ये माइनस 4 प्लस x प्लस 8 बाय x के प्लस 4 ओवर x पावर 4,
ये टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास. नाउ इफ यू सी के इसमें जब हम लोगों ने वैल्यू पुट की, सॉरी प्लस की टू, तो ये देखें 2x² एज इट इज, 2 + 2 = 4. क्लियर? अब हमने क्या करना है, वी वॉन्ट के हमारे पास बन जाए 2x² को 4 बनाना है, 2x² को 4 बनाना है. तो फिर मैंने कल भी समझाया था, देखें 2x² को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 4 बन जाए. तो 2x² को अगर मैं 2 / x² के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आई सी कि यहाँ पे x² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद टू टर्म्स, यानी 2 / 2, सो आंसर विल बी 4. तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा एंड वी नीड के हमारे पास यहाँ पे 4 बन जाए. अच्छा, वन मोर थिंग, कि हम एक और चीज जो हम अलग कुछ कर रहे हैं वो ये है कि हम चाहते हैं, हम एक्चुअली में नॉर्मली जब हम करते थे, हम यहाँ माइनस कर देते थे, वही वाला साइन लेके आते थे जो यहाँ पे होता था, जब साइन चेंज कर देते तो वो कैंसिल आउट हो जाता था. ठीक है, सिंपली हम इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि हम ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है, या ओके आप इसी को इसी तरह से रखें कि आपने इसको 4 बनाना है. ठीक है, पहली टर्म को ही आप देखें, आपने ये बना दिया. अब क्या हुआ, 2x² को जब आपने किया 2/x² के साथ तो वो 4 बन गया. जब 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 2/x² के साथ, तो ये 8/x² बन गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया. जब 2/x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4/x² बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप सेम होता है, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस वाले का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद अ रिमाइंडर दैट इज -8 + x. सो एक्चुअली इफ वी वॉन्ट के ये हमने परफेक्ट स्केयर बनाना हो, तो इसका मतलब ये है परफेक्ट स्केयर कब बनेगा, जब इसका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो. इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो x - 8 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए. तो अगर ये x - 8 = 0 हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है. तो इट मीन्स दैट वी हैव, जो हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे थे एक्स की, एक्चुअली यहाँ 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 सब जगह पे एक्स की वैल्यू 8 होगी, ताकि ये जो इन पूरी टर्म को जब हम प्लस करें और डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें, तो आंसर हमारा एक ऐसा नंबर बन जाए जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा.